मैं सर चंद्र आप सभी का सुपर अपडेट्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कैप्टन मार्वल मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन को डिस्कस करने वाला हूं। कैप्टन मार्वल मूवी में दो पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक मिड क्रेडिट सीन है और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, मैं हो सकता है नेक्स्ट वीक से एक नया सीरीज शुरू करूं। इस सीरीज में मैं टॉप 10 सुपर अपडेट्स मतलब कि सुपर हीरो वर्ल्ड में हुए टॉप 10 इवेंट्स को जगह देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। I'm gonna end it. मार्वल मूवी की इनिशियल रिव्यूज कुछ खास नहीं थे। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि यह मूवी अच्छी है, कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की सबसे वर्स्ट मूवी है। पर जैसा कि आप जानते हैं कैप्टन मार्वल मूवी लास्ट वीक रिलीज हो गई है और काफ़ी सारे सुपर फैंस को यह मूवी पसंद नहीं आ रही है। पर क्या करें, यह मूवी एवेंजर्स इंड गेम से बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड है, इसलिए हमें यह मूवी देखनी ही पड़ेगी। अब चलिए इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है। एक सीन जो कि हमें दिखाता है 2012 में रिलीज हुए एवेंजर्स के बारे में और दूसरा सीन डायरेक्ट एवेंजर्स इंड गेम से जाकर लिंक्ड होता है। मैं स्पॉइलर अलर्ट देना तो भूल ही गया, अगर आपने अब तक कैप्टन मार्वल मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, हो सकता है मूवी देखने का मज़ा आपका किरकिरा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो वो आपकी मर्जी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तक यही है, इसका मतलब आपने कैप्टन मार्वल मूवी देख रखी है और आपने मूवी देख कर यह जान ही लिया होगा कि कैप्टन मार्वल की कैट गूस कोई मामूली कैट नहीं है। उसने ही मूवी में डेसरेक्ट जो कि स्पेस स्टोन है उसे निकल लिया था और जब तक वह खुद से स्पेस स्टोन वापस नहीं करे कोई भी उसके मुंह से वो स्पेस स्टोन नहीं निकाल सकता। पर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में गूस ने अपने आप ही उस स्पेस स्टोन को निक फ्यूरी के टेबल पर निकाल कर रख दिया। और ये जो टाइमलाइन है ये 1985 का ही है क्योंकि इस समय उसी वक्त का एक ओल्ड एज कंप्यूटर निक फ्यूरी के टेबल पर पड़ा हुआ है। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ बढ़ते हैं। ये पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पोस्ट क्रेडिट सीन से ही हमें पता चलता है कि कैप्टन मार्वल की एंट्री एवेंजर इंड गेम मूवी में कैसे होगी। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस पेजर से निक फ्यूरी ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लास्ट में कैप्टन मार्वल को सिग्नल भेजा था वो पेजर अब एवेंजर्स हेडक्वार्टर में है और उस पर यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और तभी हमें दूसरे कमरे में दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका और नताशा रॉबिनॉफ एक स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अर्थ की अभी कितनी पॉपुलेशन बची है। तभी उस कमरे में रोड्स आता है और वो बोलता है कि पेजर ने सिग्नल देना बंद कर दिया। तभी सभी लोग पेजर के पास जाते हैं और बोलते हैं पेजर को फिर से रिबूट करो। तभी ब्रूस बैनर बोलता है कि हमें यह भी नहीं पता कि ये पेजर सही जगह सिग्नल भेज रहा है या गलत जगह। तभी नताशा बोलती है लेकिन निक फ्यूरी को पता था। नताशा निक फ्यूरी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है क्योंकि उसने निक फ्यूरी के साथ काफ़ी वक्त तक काम किया था। तो बोलती है कि जब ये पेजर फिर से सिग्नल देना शुरू कर दे तो मुझे बुला लेना। और जैसे ही ब्लैक विडो पीछे मुड़ती है तभी उसके सामने कैप्टन मार्वल आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर कैप्टन मार्वल की लुक की बात करें तो कैप्टन मार्वल का लुक में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ कैप्टन मार्वल के सूट में गोल्डन कलर बढ़ गए हैं और कैप्टन मार्वल के बाल यहाँ पे स्ट्रेट हैं जैसे बाल ब्लैक विडो के कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में थे। बात बताना तो भूल ही गया, इस सीन में ये सीन एवेंजर्स इन्फिनिटी वार के एक दो हफ्ते बाद का ही है क्योंकि इस सीन में कैप्टन अमेरिका अभी भी अपने पूरे बियर्ड के साथ है। उनका लुक वैसा नहीं है जैसा हमें एवेंजर्स इंड गेम के ट्रेलर 2 में दिखाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि एवेंजर्स इंड गेम मूवी में काफ़ी बड़ा टाइम जंप होने वाला है। तो चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गुड बाय।